बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम उजालों के खालिक को तहज्जुद की तारीकियों में मनाओ, फिर देखना वो तुम्हें भी मौजज़ों की सुबह अता करके राज़ी कर देगा। रोती भीगती तहज्जुद की दो रकतें और गिड़गिड़ाती दुआएं दिल भी हल्का कर देती हैं और मुकद्दर भी बदल सकती हैं। तहज्जुद की नमाज तक पहुँच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हें अपने बहुत करीब कर लिया है। तहज्जुद के वक्त उठने वाला बहुत ही खुशनसीब इंसान होता है, जो इंसान अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। वो मोहब्बतें हमेशा सलामत रहती हैं, जिनकी सलामती की दुआएं हमने तहज्जुद में मांगी होती हैं। तहज्जुद की दुआएं दुआ करने वाले को ही बदल देती हैं। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हें तहज्जुद तक खींच लाई हैं। यकीन रखो, तुम्हारे लिए अब मौजज़ा होने को है। वो अगर दर्द ऐसा देता है कि सारी रात आँख न लग सके, तो वो सवेरा भी फिर ऐसा देता है जो इन आँखों को ठंडा कर दे। रात की तारीकी का एक लम्हा ऐसा भी है जब एक महबूब अपने महबूब से सजदारेज हुए सरगोशियों में मुलाकात करता है। ये वो लम्हा है जब अर्श और फर्श में कोई फासला बाकी नहीं रहता, ना आंसू पे अख्तियार रहता है ना दिल पे, मोहब्बत अपने जोबन पे होती है। अनमोल मोतियों का एक कारवां जब चश्मे महबूब से रवां होता है, तो अर्श से आती है एक आवाज़ कि ऐ मेरे महबूब बंदे, मांग तू क्या मांगता है, बोल तू क्या चाहता है। अल्फाज लब से निकलते ही अर्श से एक आती है एक सदा, तकदीर बदल जाएगी रातों को, उठकर खुदा से मांग तो सही। तहज्जुद की लगन एक बार जिसे लग जाए ना, फिर उन्हें दुनिया की महफिलों में सुकून नहीं मिला करता। तहज्जुद की खामोशी में बहने वाले तुम्हारे आंसू अल्लाह को राजी कर लेते हैं। तुम तहज्जुद में उसको मनाते रहो, उसके हजूर अश्कों का दरिया बहाते रहो, और वो तुमसे मोहब्बत की इंतहा न करे ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। तहज्जुद मोहब्बत की एक कहानी है जो सरे अर्श बैठकर सुनी जाती है, और फिर जब तुम्हारा दिल तुम्हें अल्लाह के रूबरू ले जाता है तो वो तुम्हें थाम लेता है। हजारों सोए हुए लोगों में जब उसका एक बंदा तकलीफ के मारे जाग रहा हो, तो वो कैसे उस एक बंदे को तड़पता हुआ छोड़ सकता है जो अपनी नींद कुर्बान करके उससे कुछ तलब करने आए। अल्लाह कैसे फिर उसे खाली हाथ जाने दे सकता है। ऐसी नमाज है कि जिसको इस नमाज की आदत हो जाए, और अगर वो किसी दिन तहज्जुद ना पढ़ पाए तो सारा दिन कुछ कमी सी महसूस होती है। तो अगर दर्द रात भर सोने नहीं देता, तो जान लो कि वो मुंतजर है तुम्हारा, अभी भी उसको इंतज़ार है तुम्हारी दुआओं का। मांग लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वो सब हो सकता है।